बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चटपटी हरी मिर्चों की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है गाइस। ये देखें, एक पाव मैंने मिर्चें ली, एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। इस तरह हमने काट के इसमें से बीज निकाल देने हैं। ये मैंने नमक लिया है आधी चम्मच। ये मैंने ली है कलौंजी, राई और मेथी दाना, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। ये मैंने लिया आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया और आधी चम्मच ही मैंने कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच मैंने सौंफ और 1 चम्मच धनिया लिया है साबुत, और ये 2 नींबू के रस लिया है मैंने, 2 अदद नींबू का। इन 3 चीज़ों को इन सब अलग अलग हमें दरदरा सा पीस लेना है। चलिए तो हम पीस लेते हैं इसको पहले। ये देखें, सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ें ऐड करके इसमें इसको हल्का हल्का सा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पीस लें आप इसको। ये इसमें हम एक कटोरी में निकाल लेंगे अलग से, ये पीस चुका है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब जो सौंफ और धनिया है वो भी हम इसमें दरदरा सा पीस लेंगे। गाइस, ये बहुत मज़े की बनती हैं ये मिर्चें, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं ये, आप दाल चावल के साथ खाएँ। ये देखें, मैंने ये भी पीस लिया है। मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, इनको सबको मिक्स करना है हमें। जब तक मैं ये मिक्स कर रही हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, बिल्कुल ज़रा सा। ये देखें, ये पेस्ट की तरह बन गया है। अभी हम मिर्चों में भर लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा इसमें भर दें मिर्चों में। ये देखें इस तरह से मैं सारी मिर्चें इस तरह भर लूँगी इसको, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम तेल लिया है, इसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। अब मैं इसमें मिर्चें ऐड कर दूँगी, इनको हमें तकरीबन 15 मिनट तक फ्राई करना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए, और हल्की आँच पर करना है। आप बहुत तेज़ आँच पर नहीं करिएगा, वरना ये ऊपर से जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रहती हैं। थोड़ा सा ऊपर से एक चुटकी नमक डाल दें आप इस तरह से, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी से। हम इसको थोड़ी सी देर ढक के पकाऊंगी। ये जो मसाला बच गया था हमारा, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी सी गल जाए मिर्चें, उसके बाद 5 मिनट तक आप इसको ढक के पकाएं। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा कलर आ गया है इसकी मिर्चों पर। इसको हल्का सा घुमा लें आप। जो मसाला बच गया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर ये मसाला हम पहले ऐड करते तो ये जल जाता, इसलिए हम इसको बाद में ऐड करेंगे। ये देखें, इस टाइम पे आप इसको ऐड कर दें और इसको ढककर आप 5 मिनट और पकाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मिर्चें बनती हैं, इतनी ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। ये देखें, ये डन हो गई है हमारी, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गई है ये। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।